सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, दिस इज़ बाइक वर्स। अभी पहले गाली मत देना, पहले वीडियो देखो। वीडियो मुझे पता है गाली तुम पहले लिखोगे, क्योंकि भाई बहुत टाइम बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑन माय चैनल। मतलब इतने सारे क्वेश्चंस भाई साहब मेरे को आज तक किसी वीडियो में, मतलब मेरे को मिला के अपने सारे यूट्यूब करियर में इतने क्वेश्चन नहीं आए जितने इस वीडियो पर आ गए कि भाई बता ले क्या है परफॉर्मेंस, क्या है क्या नहीं है। तो भाई देखो, आज मैं वही बताने वाला हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन जो मैं आपके कवर करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी उसके समझ जाओ ना उसके, ठीक है, बिना उसके हम करते हैं अपने क्वेश्चंस रेडी। तो पहला जो क्वेश्चन था कि भाई हम मीटियर का एलॉय कहाँ से ले और मीटियर का एलॉय कितने का पड़ेगा। तो भाई आप मीटियर का एलॉय लोगे सर्विस सेंटर रॉयल इनफील्ड के शोरूम से, और वो आपको पड़ेगा 6.5 के या 6 के का, डिपेंडिंग अगर आप डायमंड कट ले रहे हो या सिंपल ले रहे हो। मैंने सिंपल लिया था, मुझे पड़ा था 6000 का, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई टायर कहाँ से लेना और कितने का पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन के टायर के डायमेंशन क्या है। देखो जो इंटरसेप्टर में है स्टॉक, वो है 18 इंचेस टायर्स हैं, मतलब 18 इंचेस स्पोक्स हैं, लेकिन जो मीटियर का एलॉय है वो है 17 इंच का एलॉय, ठीक है। मीटियर का एलॉय है 17 इंच का। तो ये हो गया इसके डायमेंशंस, ओके। नाउ जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि भाई इसका इंस्टॉलेशन कैसा है। भाई इंस्टॉलेशन इतना ईजी है, जैसे आप कपड़े चेंज करते हो ना डेली, बस वैसा ही इंस्टॉलेशन है। कुछ नहीं करना है आपको, अपना इंटरसेप्टर का पीछे का स्पोक निकालना है। स्पोक में जो हब है, हब में क्या होता है, कपलिंग्स होती है, वो कपलिंग आपको लगानी है मीटियर के एलॉय पे। और जैसे आप वो कपलिंग लगा लोगे मीटियर के एलॉय पे, मीटियर के एलॉय पे चढ़ाइए आप टायर। अब टायर आप कोई भी चढ़ा सकते हो, मैंने चढ़ाया था अपोलो अल्फा H1, आप कोई भी टायर उस पर लगा सकते हो। तो वो टायर, कोई भी टायर लगाओ, और टायर लगाने के बाद आपको जैसे नॉर्मल टायर फिट करते हैं, जैसे कभी भी आपका पंचर हुआ होगा इंटरसेप्टर का, आपका पूरा स्पोक निकला होगा, बस वैसे ही आपको वो एलॉय फिट करना है। प्लग एंड प्ले, कुछ सरदर्द नहीं है। बस अपनी क्या, आपने क्या करना है, जो स्पोक है इंटरसेप्टर का रियर का, उसकी कपलिंग निकाल के वो लगानी है आपने अपना मीटियर के एलॉय पे, ठीक है। ये हो गया, इंस्टॉलेशन भी हो गया, प्राइस भी हो गया, ठीक है। और अब हम आते हैं इसके प्रोज क्या हैं। तो पहला प्रोज देखो, अगर ऑब्वियस ही बात है एलॉय लगाओगे तो आपका टायर हो जाएगा ट्यूबलेस, और सबको भाई ट्यूबलेस टायर ही चाहिए, क्योंकि इंटरसेप्टर में यही दिक्कत है, अगर पंचर हुआ तो भाई मौत है, क्योंकि इतनी भारी बाइक को कैरी करना, फिर या तो टायर निकालो, क्योंकि पंचर वाले अगर कभी लॉन्ग राइड पे पंचर हो गया तो पंचर वाले तो ना बोल देते कि भाई हम ये डिस्क वाली गाड़ी है, हम इसको ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ये वो सो हलवा पूरी खाओ, ये अलना फलना, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं। लेकिन अगर आपको ट्यूबलेस हो जाता है आपका टायर इंटरसेप्टर पर रियर वाला, तो भाई कुछ दिक्कत नहीं है, पंचर होगा तो वो बस लगा लेंगे इजिली, जो पंचर किट होती है उससे लगा लेंगे। तो देखो ये फंडा है, आपका टायर हो गया ट्यूबलेस। अभी देखो मैं अपने सेटअप के बारे में बताता हूँ, मुझे कैसी परफॉर्मेंस मिली। मेरा आगे 18 स्टॉक था और पीछे 17 एलॉय था, ठीक है, मतलब अपना 17 एलॉय था, और उसमें मैंने लगाया था अपोलो अल्फा H1 150 सेक्शन का जो टायर है वो लगाया था। तो देखो सबसे पहले जब मैंने एलॉय लगाया, तो मैं जब बैग के बैठा, मुझे क्या फील हुआ, सबसे पहले जो ग्राउंड क्लियरेंस थी थोड़ा से कम हुई है, स्लाइटली कम हुई, मेरे पाँव और अच्छे से ज़मीन पर टिकने लग गए थे। मैं पहले ही टिकते हैं, और अच्छे टिकने लग गए थे, तो एक थोड़ा जो होता है ना कंट्रोल बना रहता है फॉर शॉर्ट राइडर्स, उनके लिए एक थोड़ा अच्छा सा चीज़ हो जाती है कि हाँ भाई अब वो थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ बाइक कहीं पर भी रोक सकते हैं, ये चीज़ होती है ना जो, तो वो चीज़, ठीक है। दूसरा जो मैंने फील किया, बाइक जो है ना, जो सस्पेंशन है आपको पता है इंटरसेप्टर के, काफ़ी सॉफ्ट है। तो बम्प्स क्या होता है, बम्प्स पे क्या होता है कि बाइक थोड़ा शेक करती है, ऐसे विगल टाइप से, उन्होंने थोड़ा लहराती टाइप की है। लेकिन जैसे ही मैंने मीटियर का एलॉय लगाया तो बाइक में थोड़ा स्टिफनेस आ गई थी, और अभी पता मेरे जो सस्पेंशन है वो हाईएस्ट सेटिंग पे है, हार्ड सेटिंग पे है, पूरे हार्ड। और जब मैंने वो लगाया तो और हार्ड वे, तो मुझे काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था, टॉप सीट्स आ रहा था, कहीं पे बम्प्स आ रहे थे तो बाइक उतना ज़्यादा शेक नहीं कर रही थी। तो मतलब दूसरा फ़ायदा ये होगा आपका कि आपको थोड़ा जो बाइक है उसकी जो राइडिंग क्वालिटी है थोड़ा स्टिफ हो जाएगी, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। जब मैं चलाने लगा बाइक को तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, अब 150 सेक्शन टायर है, रेडियल टायर है, तो गाड़ी जो मैन्यूवर हो रही थी ना, मतलब कैसे ऐसे 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 ऐसे, बहुत ही मतलब मज़ेदार भाई, स्वाद आ गया देख के। मैंने कहा यार कितनी अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी, कितनी अच्छी मैन्यूवरेबिलिटी हो गई है गाड़ी की, मतलब मज़ा आ रहा था। और इसी मैन्यूवरेबिलिटी की
वजह से जो कॉर्नर्स पर कॉन्फिडेंस मिल रहा था उस टायर के साथ, अपोलो अल्फा एच वन प्लस 17 स्पोक विद स्टिफ सस्पेंड, मतलब स्टिफनेस जो गाड़ी में थी अल्टीमेट लेवल की थी। कोई भी कॉर्नर हो आप चीरते फाड़ते निकल रहे थे उस कॉर्नर के, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और ये मैं केवल तब की बात कर रहा हूँ जब आगे मेरा 18 स्टॉक है और पीछे मेरा क्या है 17 है, ये फंडा, ठीक है। तो भाई मैंने कहा यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ लगा ली है। इसके बाद जो एक और सबसे बढ़िया चीज़ हो रही थी बाइक में वो हो रही थी टॉप स्पीड पे स्टेबिलिटी। जब भी टॉप स्पीड कर रहे तो स्टेबिलिटी भाई चुम्मेश्वरी, जैसे बोलते हैं ना, स्टेबिलिटी ऐसी थी कि भाई मज़ा आ रहा था कि हाँ भाई बाइक ज़्यादा वॉबल नहीं करेगी, क्योंकि मैंने बताया ना स्टिफ भी हो गई थी थोड़ा बहुत। तो ये चार पांच चीज़ें बाइक में इतनी फूट फूट के आ गई थी, बाइक मतलब एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा था। जबकि देखो आगे 18 और पीछे 17 है, तब भी जाके इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है आपको बाइक, है कि नहीं, मानते हो नहीं मानते हो। बट जिस चीज़ के प्रोज होते हैं उस चीज़ के कॉन्स भी होते हैं। तो यार अब बात करते हैं इसके कॉन्स की कि क्या कॉन्स है, लेकिन उससे पहले गेस करो मेरी बाइक में अभी एलॉय लगा हुआ है या स्पोक लगा हुआ है, बताओ। बताता हूँ मैं, जी हाँ हमने लगा दिया है स्पोक, क्योंकि एलॉय मुझे इकोनॉमिकली काफ़ी परेशान कर रहा था एक दो के लिए। अब मैं बताता हूँ धीरे धीरे करके कि क्या क्या कॉन्स आ रहे थे बाइक में। तो जो सबसे पहला कॉन था कि यार बाइक एट लो एंड ना, जब बाइक अराउंड 2000 आरपीएम पे थी, और अगर आप 2000 आरपीएम पे चल रहे हो ऐसे चल रहे हो तो बाइक में काफ़ी ज़्यादा शेकीनेस थी, मतलब बाइक काफ़ी शेक कर रही थी, पता नहीं क्यों, बट जैसे होता ना बहुत ज़्यादा शेक कर रही थी, तो बहुत ही वो केवल लो एंड पे था तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था मुझे कि यार बाइक में इतनी अच्छी वो है, क्या बोलते हैं, रिफाइनमेंट है, उसके बाद भी एलॉय लगाने के बाद इतना शेक कर रही है। तो जो पहला कौन था वो यही था। दूसरे कोन की अगर मैं बात करूँ, दूसरा कोन ये हो रहा था कि जो माइलेज था बाइक का काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो गया था। अब शायद वो इसलिए भी था कि मैंने एक तो 17 इंच का एलॉय लगा दिया था, उस पर 150 सेक्शन का टायर लगा दिया था, और जब आप 150 सेक्शन का टायर लगाते हो तो बेसिकली ऑब्वियसली बात है अगर आप इस पर भी 150 सेक्शन का टायर लगाओगे इसी सेटअप पे, इसी 18 पे, तो आपका माइलेज ड्रॉप होगा। लेकिन फिर क्या हुआ, जब 17 और छोटा हो गया, आगे बड़ा हो गया, तो बाइक का जो होता है ना, मतलब जहाँ मैं थ्योरी मेरी कि जो बाइक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो, मतलब अगर बाइक थोड़ा ऐसे जाती है, मतलब पीछे के लिए नीचे हो जाती है, ऑब्वियसली बात नहीं, 17 है तो हो गई, तो इसकी वजह से भी बाइक ने माइलेज में बहुत ही ज़्यादा गिरावट कर दी। मेरा 21-22 का माइलेज अब मिल रहा था 17-16 ऐसा माइलेज मिल रहा था, और उस टाइम के फ्यूल प्राइसेस 105-106 थे। तो मतलब मेन जो दो कॉन्स थे वो यही थे, एक तो आपका माइलेज काफ़ी ड्रॉप हो गया था, और दूसरा बाइक में एट लो एंड काफ़ी ज़्यादा शेकीनेस हो रही थी। तो पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, इसलिए मुझे, मेरे को उतना सूटेबल नहीं लगा। हाँ शॉर्ट राइड्स के लिए मुझे लगता है काफ़ी अच्छा है, अगर आप केवल संडे राइड करते हो तो आप एलॉय लगा सकते हो, आप संडे राइड करो, आपको अच्छी कॉर्नर स्टेबिलिटी मिलेगी, हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिलेगी, संडे राइड के लिए तो बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। देखो ये जितना भी मेरा रिव्यू है ना वो उसके लिए है कि जब आपका पीछे 17 है और आगे 18 है, मुझे नहीं पता जब दोनों 17 इंच के हो जाएंगे तो बाइक कैसी परफॉर्मेंस देगी। ऑब्वियसली बात है उसमें जो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस है और कम हो जाएगी, लेकिन फिर पता नहीं बाइक कैसा परफॉर्मेंस करेगी। तो देखो ये इसके कॉन्स थे, और माइलेज आज की डेट में बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, इसलिए मैंने ये सब निकाल दिया। मेन रीज़न मेरा माइलेज था, वैसे वो शेकिनेस भी आपको उतना मैटर नहीं करेगी। तो ये रीज़न था, मैंने अभी वापस इसमें आ गया और माइलेज मुझे अच्छा खासा मिलने लग गया है। सो अभी मेरे पास एलॉय पड़ा है, अगर किसी को लेना है वो एलॉय, अगर वो एलॉय आपको चाहिए, तो अभी देखो मैंने 300 किलोमीटर भी यूज़ नहीं किया था वो एलॉय, और मैंने चेंज कर दिया था क्योंकि भाई 300 किलोमीटर मुझे पता चल गया था मेरी बाइक का माइलेज 15-16 ऐसा है, इसलिए मैंने वो निकाल दिया। सो अगर किसी को चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ मुझे DM कर सकते हो, आई विल शिप इट टू यू। बट यार प्लीज़ नेगोशिएट, मैं यहीं पे प्राइस बता दूंगा, आई एम एक्सपेक्टिंग 5.5K, 6K में लिया था मैंने, 300 किलोमीटर नहीं चलाया, बहुत ही ऐसी रोड्स पे चलाया है और बहुत ही इजी चलाया है, कुछ ज़्यादा वो भी नहीं किया है। तो इसलिए अगर आपको किसी को लेना है तो यू कैन जस्ट DM मी एंड आई विल सेंड इट टू यू। तो ये सब फंडा है। देखो इसके बाद है, व्हाट अबाउट द फ्रंट ड्राइवर, कैन फ्रंट अलॉय व्हील आल्सो बी फिटेड प्लीज फ्रंट। देखो भाई फ्रंट वाला भी इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन उसमें फिर फैब्रिकेशन होगी, कटफट होगी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई अपनी बाइक के साथ ऐसे कटफट करे। अगर आपको वारंटी, मतलब अगर ये है ना आपको कि आप इकोनॉमिकली आप बहुत ही फ्रीडम हो, इकोनॉमिकली काफ़ी फ्रीडम है आपके पास, पैसा काफ़ी है, तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जिनको मतलब वारंटी वगैरह सब मैटर करती है बाइक की, मैं उसको ये बोलूँगा जिसको मैटर करती है वारंटी वगैरह, वो इसे फैब्रिकेशन वगैरह मत कराना। तो भाई ये मैं आपको बोलूँगा, रवि नौटियाल जी हैं। व्हाट अबाउट द फ्रंट व्हील, देखो फ्रंट व्हील के काफ़ी ऑप्शन हैं, आपको डिस्मोटेक एक कंपनी है वो ट्यूबलेस स्पोक्स दे रही है आगे पीछे 17 के,
और वो पड़ रहे अराउंड 30-35K के अराउंड पड़ रहे हैं। सो वो आप देख सकते हो, अगर आप पे पैसा काफ़ी है तो आप कर सकते हो। ट्यूबलेस स्पोक भी अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है, और 35K थोड़ा ज़्यादा हो जाता है किसी उसके लिए, कस्टमर के लिए। तो भाई देखो, 17 का एक जुगाड़ है आगे, वो जुगाड़ ये है, आप हिमालयन का जो है, हिमालयन बाइक है, उसका रियर का स्पोक निकाल के आगे लगा सकते हो। लेकिन वही बात होगी, वो आपका रहेगा ट्यूब वाला, ट्यूबलेस नहीं हो पाएगा। तो 17 अगर दोनों चाहिए जुगाड़बंदी में, तो यही है कि पीछे मीटियोर का लगा लो रियर एलॉय, और आगे लगा लो हिमालयन का रियर स्पोक, तो तब जाके आपको 17 मिलेगा। तो ये जुगाड़बाजी है, ये आप कर सकते हो अगर आपको दोनों 17 चाहिए। बाकी मैं रिव्यू बोलूँगा, देखो अगर आपको माइलेज मैटर नहीं करता, अगर आपको शेकी जो वाइब्रेशन है, छोटे छोटे मतलब कम RPM पे जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन मतलब शेक नहीं, वाइब्रेशन अलग हो गया, शेक नहीं मतलब गाड़ी ऐसे ऐसे हिलती है, स्ट्रगल करती है, तो वो अगर आपको मैटर नहीं करता तो आप कर सकते हो, आप ले सकते हो एलॉय। और मेरे पे एक एलॉय पड़ा है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो अगर आपको लेना है तो आप बता देना मुझे। आई होप ये आपके सारे क्वेश्चंस पिक कर रहा है। अगर आगे और कोई क्वेश्चन है तो यार फील फ्री टू आस्क, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं आगे क्वेश्चंस को आंसर करूँ। सो ये सब फंडा है, एंड टिल देन आई गेस इतना काफ़ी था यही सारी वीडियोज़ का, क्या है क्या नहीं है। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो क्या भूल रहा हूँ, कुछ नहीं भूल रहा हूँ, मैंने हर चीज़ कवर कर दी है। देखो सारे पॉइंट मैं अगर रिपीट कर देता हूँ, प्रोस क्या है, कौनस क्या है। सबसे पहला पॉइंट, लगाना कुछ नहीं है, आपको निकालना है ये वाला स्पोक, उसमें से निकालनी है कपलिंग, वो कपलिंग लगानी है मीटियोर के अलॉय में, और मीटियोर का अलॉय लगा देना है इसमें, और जैसे फिटिंग होती है वैसे नॉर्मल। सेकेंडली जो चीज़ मैंने बताई कि बाइक लगाने के बाद जो सबसे पहला प्रो है, आपका टायर ट्यूबलेस हो जाएगा, 17 इंच के साथ टायर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, टायर ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, तो क्या होगा कि आपकी जो स्टेबिलिटी है, अगर ब्रॉड टायर लगाते हो, 150 लगाते हो, तो आपकी स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड बढ़ जाती है, कॉर्नर्स पर अच्छा कॉन्फिडेंस आता है, गाड़ी मैन्यूवर ईजिली हो जाती है। और अगर आप शॉर्ट राइडर हो, अगर आप शॉर्ट राइडर हो तो क्या होगा कि जो ग्राउंड क्लियरेंस है थोड़ा सा कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कौन की, कौन से मैंने बताया कौन सबसे पहला कौन की भाई। यहाँ एक और चीज़ प्रोज में कि बाइक थोड़ा स्टिफ राइड क्वालिटी मिल जाती है, इसके बहुत ही सस्पेंशन जो है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, इससे थोड़ा स्टिफ क्वालिटी मिल जाती है राइड क्वालिटी, तो ये एक अच्छी चीज़ है। अब मैं करता हूँ कौनस की बात, कौनस की बात है, माइलेज ड्रॉप होगा, लो एंड RPM पे क्या होगा, लो एंड स्पीड्स पे क्या होगा, अगर चढ़ाई है तो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा शेक करेगी, तो ये दो चीज़ें हैं। और अगर आप ऑफ रोड ऑन रोड दोनों करते हो तो मैं बोलूँगा एलॉय मत लगाना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एलॉय के बाद ग्राउंड क्लियरेंस कम होगी, आपका एलॉय उतना ड्यूरेबल नहीं होता है ऑफ रोड्स के लिए। तो ये चीज़ें देख के ही आप देखना कि आप कैसे राइड करते हो। फॉर शॉर्ट राइड इट्स वेरी गुड, अगर आपके पास शॉर्ट राइड करते हो, GT है, अगर आपके पास शॉर्ट राइड करते हो तो आप एलॉय लगा सकते हो, लेकिन इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग राइड तब भी आप लगा सकते हो, लेकिन वही है माइलेज कम मिलेगा, और लॉन्ग राइड है माइलेज काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, एंड ऑफ रोडिंग मिलती है लॉन्ग राइड्स पे, अगर आप लद्दाख वगैरह देख रहे हो तो उधर भी उतना रिलायबल नहीं होगा इस। तो ये सारी चीज़ें हैं। पंचर अगर नहीं चाहिए आपको तो देखो अपना टायर प्रेशर हमेशा चेक किया करो, जब दिख जाता है कि हाँ बाइक का टायर घिसने वाला तो चेंज कर दिया करो, पंचर्स नहीं होंगे। तो ये सब फंडा है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। आगे अभी तक कोई भी ऑप्शन नहीं आया है सिवाय डिस्मोटेक का, डिस्मोटेक आप दे सकते हैं, लेकिन वो भी स्पोक देगा एलॉय नहीं देगा, स्पोक देगा दोनों स्पोक्स देगा, दोनों स्पोक्स देगा, वो देगा 17 इंच के, और ट्यूबलेस देगा, वो पड़ेंगे आपको 33,000 के। सो आई होप दिस इज द वीडियो, अगर आपको पसंद आई होगी तो भाई प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऐसे लंबे लंबे वीडियोज़ आएंगे एंड ऐसे हेल्पफुल वीडियोज़ आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड, और आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद नहीं आई तो भी भाई कमेंट करो क्या समझ नहीं आया, कमेंट करो, आई विल लेट यू नो भाई कहाँ पे क्या हो सकता है, कहाँ पे क्या नहीं हो सकता है। सो ये सब फंडा है। तो फिलहाल के लिए अभी हम चलेंगे घर की ओर।